हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सर्विस चैनल। स्टडी सर्विस चैनल की इस वीडियो में आज हम एक नोटिफिकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक। ओके, तो हिमाचल प्रदेश सर्कल में इसकी पोस्ट निकली हुई है, तो इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये पोस्ट निकली है और ये आप लोगों की सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। ये काफ़ी अच्छा एक सुनहरा मौका है हर एक स्टूडेंट के लिए, बिकॉज इसमें जो भी आपकी पोस्ट होगी वो मेरिट बेस्ड के ऊपर होगी। ओके, मेरिट बेस पे निकलेगी, ना कि आपको इसमें कोई एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये हिमाचल प्रदेश शिमला के द्वारा 6 जून को ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था। इसमें इन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट की गई है, तो किसके रिगार्डिंग है? ग्रामीण डाक सेवक के रिगार्डिंग। अब इसके बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि इनका क्या काम होता है। ग्रामीण डाक सेवक की जो जॉब होती है, ये आपकी जॉब होती है आपके सर्कल के रिगार्डिंग। ओके, तो जैसा आपका सर्कल होगा, मान लीजिए आप शिमला में हो, तो शिमला में जो भी आपको सर्कल दिया जाएगा आपके घर के नजदीक, तो वहां पे आप लोगों को पोस्ट ऑफिस में जॉब करनी है 10 से लेके 2 बजे तक की ये जॉब होती है, 10 से 2। इसमें आप लोगों को कुछ ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है, थोड़े से रजिस्टर को संभालना होता है, कोई मनी डिपॉजिट करवाने आया हुआ है उसकी मनी डिपॉजिट करनी होती है, साथ में आप लोगों को किसी तरह की जैसे टिकट वगैरह हो गई, टिकट बांटना, फिर आपने डाक को डिपॉजिट करना, ऐसे वर्क होता है इसमें, नॉर्मल सा एक वर्क होता है, ज्यादा टफ काम नहीं है। तो काफी अच्छी जॉब है और इसका जो रिजल्ट रहेगा वो मेरिट बेस के ऊपर होगा, इसमें आप लोगों को कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। और 10th इसकी क्वालिफिकेशन है, 10th में आप लोगों के अगर मार्क्स अच्छे हैं तो प्लीज इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर की है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं GDS ब्रांच पोस्ट ऑफिस के इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के अंतर्गत आई है ये वाली पोस्ट, तो हम इसमें यही देखेंगे। तो इसमें क्या क्या होगा, तो पहली पोस्ट आपकी इसकी है, इसके बाद आप लोगों के लिए है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की है, तो ये भी आप लोगों के लिए है। इसमें भी जितना भी आपका फर्क काम होगा, इसमें आपको IPU SPU वगैरह का सब कुछ इसमें आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ये भी नॉर्मल सा वर्क होगा इसमें। इसके बाद आपकी आती है डाक सेवक की, ठीक है, तो डाक सेवक की भी इसमें पोस्ट है, तो इसमें भी सेम वर्क ऐसा ही रहता है। तो इसमें आप लोग देखिए कि इसमें क्या क्या आपको काम करना पड़ेगा और क्या क्या आप लोगों की अलाउंस रहेंगे, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए जो आपकी सैलरी रहेगी वो आप लोगों की 12,000 से लेके 14,500 और 10,000 से लेके, जो आपकी ब्रांच पोस्ट मास्टर की है उसमें आपको 12,000 रुपये है और 14,500 है, ठीक है। जो आपकी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की है और आपकी जो डाक सेवक की है उसकी 10,000 से लेके है 12,000 रुपये। ओके, तो इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए वो कम से कम 18 से लेके 40 साल की होनी चाहिए। जो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब वाले हैं इनके लिए 5 साल की इसमें रखी है शॉर्टेज, और OBC के लिए 3 साल की है, और जो आपका इकोनॉमिक बिग सेक्शन है इसमें कोई भी आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी आप लोगों को इसमें रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी, यानी कि 40 साल तक ही आप अप्लाई कर सकते हो। जो PWD वाले हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनको 10 साल की है, और आपका जो OBC है अगर PWD के साथ उसको 13 साल की है, और SC ST है तो आप लोगों की 15 साल की है। ओके, तो ये था, मैं आप लोगों को मेन चीजें ही इसमें बताऊंगा कि क्या क्या इसमें आप लोगों का रहेगा। एज क्वालिफिकेशन आप लोगों की 10th बेस ही होनी चाहिए, ओके, इसी के ऊपर आप लोगों की मेरिट बनेगी। अगर आप लोगों की 10th में अच्छी मेरिट है तो प्लीज आप लोग इसको अप्लाई कीजिए, और साथ में कंपलसरी आप लोगों को लोकल लैंग्वेज की होनी चाहिए जिस ब्रांच के लिए आप अप्लाई करोगे। जैसे मान लीजिए आप सोलन के लिए अप्लाई कर रहे हो या आप कर रहे हो किन्नौर के लिए अप्लाई, तो आप लोगों को वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो अपने ही डाक सर्कल में आप लोग प्लीज इसको अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो नेम ऑफ द सर्कल इसमें जैसे निकली हुई आंध्र प्रदेश के लिए, आंध्र प्रदेश आप नहीं अप्लाई कर सकते, आप हिमाचल प्रदेश के हैं, तो जितने भी हैं सभी के लिए निकली है। तो आप लोगों का हिमाचल प्रदेश क्या है, तो हिमाचल प्रदेश जो सर्कल है आप लोगों का, इसमें आप हिंदी आप लोगों को आनी ही चाहिए, ठीक है। हिंदी आप लोगों की कंपलसरी लैंग्वेज है, अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आप नहीं करोगे, बट हिंदी तो हर किसी को आती है। तो बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग भी इसमें आप लोगों को दी जाएगी, रेसिडेंट वगैरह का भी आपका सारा इसमें दिया जाएगा आप लोगों को, ओके। तो इसके बाद आप लोग देख लीजिए इसमें क्या क्या है मेन। तो ये आप लोगों की है SC ST एंड OBC के लिए जितना भी है, तो ये जो मैंने आप लोगों को कैटेगरी पीछे बताई इसमें है। तो इसमें आप लोगों को बताया गया है कि आपकी जो ये पोस्ट होगी आपकी मेरिट बेस्ड के ही ऊपर होगी, ठीक है, इसके बगैर आप नहीं, इसके लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा।
डायरेक्ट मेरिट बेस के ऊपर ही है ये, देखिए सिलेक्शन विल बी मेड एज द ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट एज पर द रूल बेस्ड ऑन द कैंडिडेट ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन। तो आप लोगों का मेरिट बेस के ऊपर ही रहेगा सारा, कोई भी आप लोगों को एग्जाम नहीं देना पड़ेगा और ये अप्लाई आप लोग ऑनलाइन ही करोगे। ऑनलाइन अप्लाई स्टडी सर्विस के द्वारा भी आप कर सकते हो, 50 रुपीज चार्जेस रहेगा आप लोगों का। तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं 7018705157 अगर आप लोगों ने अप्लाई करवाना है इस पोस्ट के लिए। ओके, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इसका पीडीएफ और साथ में आप लोगों को अकाउंट मिल जाएगा सारा कुछ डिटेल मेरी व्हाट्सएप की। तो इसके लिए आप लोग यहां से अप्लाई करेंगे appost.in/gds-online, ठीक है। जीडीएस की आपकी पोस्ट है 6 तारीख से लेकर 6 जून से लेकर 5 जुलाई तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या क्या आपको चाहिए, नेम चाहिए, फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपका क्या है, कम्युनिटी आपकी क्या है, आपके दूसरा परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, स्टेट जिस जहाँ से आपने किया है, बोर्ड कौन सा है, ईयर ऑफ पासिंग है, 10th क्लास का रोल नंबर, ये आप लोगों का सब पूछा जाएगा यहाँ से आप अप्लाई करेंगे। ओके, तो इसमें आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, जिसमें आप लोगों का रहेगा 10th लेवल का सर्टिफिकेट। ओके, ये आप लोगों को करना पड़ेगा, साथ में आपको मेन आपका इसमें रहेगा 10th बेस का, ये आप 10th बेस का आप इसमें कर सकते हो। अगर आपने कोई कंप्यूटर वगैरह अप्लाई किया है तो आप कंप्यूटर कर सकते हो। इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट तब लगाना पड़ेगा अगर आपके 10th के सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तब आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। आपकी 10th के बेस पे सर्टिफिकेट जरूर होगा। कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो आपका होता है, जैसे आपका कैटेगरीज का कोई भी है तो वो भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फोटो सिग्नेचर और सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, ये सारे आपको अप्लाई करने पड़ेंगे वहाँ पे। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी तरह की जानकारी चाहिए या आपने फॉर्म फिल करवाना है। तो 50 रुपीज आपके लगेंगे चार्जेस। तो अब देखते हैं कहाँ पे कितनी कितनी पोस्टें निकली हुई हैं। चंबा डिस्ट्रिक्ट में आप लोग देखिए, एक पोस्ट है अंडर रिजर्व की, चंबा में बनीखेत में ही आपकी EWS की एक है, और आपकी बनीखेत में ही OBC के लिए एक है, SC के लिए एक है, फिर आपका भलेई है एक, वहाँ पे OBC के लिए एक है, रिजर्व के लिए एक है, फिर आपका बंजोरा तीसा है यहाँ पे भी एक है पोस्ट, फिर बंजोरा तीसा में फिर एक है। तो ये आप लोगों के जितने भी हैं, आप लोगों के जितने भी सर्कल हैं, आप लोग देख लीजिए कितना कितना है, धीरे धीरे मैं इसको आगे करूँगा। तो हर एक गांव के लिए ये पोस्ट निकली हुई है, जहां जहां पे आपका पोस्ट सर्कल है वहां पे एक एक पोस्ट निकली हुई है। तो प्लीज इसको अप्लाई कीजिए। चंबा की थी ये, एक है आपका चंबा में काकीरा नामक जगह, वहां पे अंडर रिजर्व के लिए 2 पोस्टें हैं, बाकी सबके लिए एक एक ही है। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकती है ये वाली। तो इसके बाद चंबा में ये था, फिर आपका देहरा गोपीपुर, यहाँ के लिए सबके लिए एक एक ही है। और इनकी जो पेमेंट है वो आपकी असिस्टेंट पोस्ट सर्कल की 10,000 है, डाक सेवक की 10,000 है, पोस्ट मास्टर की जो आपका हेड पोस्ट मास्टर रहेगा उसकी 12,000 रुपये है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इतनी ही पोस्ट की फीस इनकी रहती है, बाद में बढ़ती जाती है, काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज आपको मिलेगा। तो अप्लाई करें इसको प्लीज़, बड़ी अच्छी जॉब है और आपकी गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये सारी कांगड़ा की हैं, ये धर्मशाला सर्कल में भी निकली हुई हैं इनकी, कांगड़ा के अंतर्गत। तो धर्मशाला सर्कल में भी काफी पोस्ट हैं, तो ये सारी धर्मशाला की है। इसके बाद हम देखेंगे हमीरपुर के लिए भी काफी पोस्ट हैं। हमीरपुर के लिए भी है, तो सब जगह के लिए एक एक पोस्ट है, डिपेंड करता है आप लोगों की मेरिट के ऊपर। जितनी आपकी मेरिट होगी तो आपकी जॉब पक्का लगेगी, डिपेंड ऑन मेरिट। ओके, तो ये सारा हमीरपुर का है। तो ये आज का नोटिफिकेशन था जिसमें 12 डिस्ट्रिक्ट के लिए आपकी पोस्टें निकली हुई हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट जो आपकी हैं यहाँ के लिए सबके लिए एक एक पोस्ट है। तो अप्लाई कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका PDF लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो EWS के लिए आपकी 78 पोस्ट हैं, OBC के लिए 182 हैं, SC के लिए 131 है, ST के लिए 43 हैं, अनरिजर्व के लिए 323 है, ठीक है। टोटल आपकी 757 पोस्ट हैं।
तो अगर आप चाहते हैं कि हमें आपका फॉर्म फिल कर दें तो आपको 50 रुपीज़ चार्ज देना पड़ेगा। घर बैठे ही आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, और आपको एक्स्ट्रा जो फीस होगी 100 रुपीज़ वो देनी पड़ेगी, टोटल आपका 150 रुपीज़। तो SC ST OBC के लिए आई थिंक फीस नहीं है, और जो आपके वुमेन कैंडिडेट हैं इनके लिए फीस नहीं है, तो आपके 50 रुपीज़ लगेंगे, जो बाकी स्टूडेंट हैं उनके 150 लगेंगे। ओके, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7018705157। ओके ओके देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।